कोटा में एक बार फिर से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक का शव 4 दिन के बाद एक नहर से बरामद किया गया। सिद्धार्थ पॉल नाम के छात्र धनबाद के रहने वाले थे और रेजोनेंस कोचिंग संस्थान में रहकर IIT एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे थे। फिर टूटी उम्मीदें, एक होनहार की मौत, जिंदगी पर भारी पढ़ाई। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे सिद्धार्थ पॉल नाम के छात्र की मौत हो गई। धनबाद के रहने वाले पॉल रेजोनेंस कोचिंग संस्थान से IIT एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे थे। परिजनों ने संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पॉल 4 दिन से लापता था। कारण और क्या करे, वहाँ का तो लापरवाही है ही है। अगर वहाँ अगर थोड़ा गाइडनेस रहता तो कम से कम हमको सूचना मिलता। हमको अगर सूचना मिलता तो कम से कम हम आते अपना लड़का को नहीं पढ़ाते, लेके चल जाते, जिंदा तो रहता। बताया जा रहा है कि छात्र सिद्धार्थ ने नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया। देवपुरा दाई मुख्य नहर से उसका शव बरामद किया गया है। सोमवार के दिन मकान मालिक आया कि ये संडे से ही गायब था बच्चा। इसका हमने मुकदमा 468 धारा 363 में मुकदमा दर्ज कर लिया। मंगलवार को सूचना मिली थी कि देखो थाने में नहर के अंदर इसकी डेथ बॉडी मिली है। तो इसके फादर आज आए तो उसका पोस्टमार्टम करा के क्या मानसिक दबाव के चलते नहर में कूद कर की आत्महत्या। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिछले 40 दिनों से अपनी कोचिंग से लापता था। कोचिंग ना आने की परिजनों को खबर क्यों नहीं की? क्या कोचिंग की जिम्मेदारी केवल फीस वसूलने तक है? मौत की वजह क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन पहली नजर में यह बताया जा रहा है कि यह घटना फिर से माता पिता की महत्वाकांक्षा और बच्चों की सोच के नहीं मिल पाने का नतीजा है।